किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ का कलेक्ट्रेट में हंगामा। भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर आज कलेक्ट्रेट पर हंगामा किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही ज्ञापन में बताया कि अतिवृष्टि की वजह से किसानों को फसलों में काफी ज्यादा यहां पर नुकसान हुआ है। इसके साथ ही किसान परेशान हैं। प्रशासन के द्वारा सर्वे दल गठित किए गए हैं, लेकिन हल्का पटवारी सर्वे दल के द्वारा ठीक तरीके से कोई भी सर्वे नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर किसान परेशान हैं। इस वजह से किसानों को उचित मुआवजा राशि भी नहीं मिल सकेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 3 वर्षों से किसानों को फसल बीमा की राशि नहीं मिल पा रही है। आज तक किसान कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। किसानों की फसल खत्म होने से वो कंगाल हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी बिजली बिल की वसूली के लिए लगातार बिजली कर्मचारी किसानों पर दबाव बना रहे हैं। गांवों से डीपी उठवाई जा रही है। कोरोना काल में किसानों की मौत कोरोना से हुई, लेकिन उनको मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिले, उन्हें दिलाया जाए आदि मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन पूरे देशव्यापी एक आंदोलन है, जिसमें हमारी पुरानी लंबे समय से मांग रही है कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए किसान। अगर वास्तविक किसान का लाभ करना है, वास्तविक अगर उसको आय दोगुने की बात सरकार करती है, तो लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना ही चाहिए, तब दशा और दिशा तय होगी किसान की। शिवपुरी जिले में किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं किसानों? हमने एक ज्ञापन और दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, जो अभी बाढ़ से जो प्रभावित क्षेत्र रहे और उसके अलावा भी जो बाढ़ के अलावा भी जो क्षेत्र रहे, वो अतिवृष्टि की वजह से फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। अब जब फसलें नष्ट हो चुकी हैं, तो अमूमन ये देखा जाता है उस समय पटवारी हड़ताल पर चले जाते हैं, सर्वे होता नहीं है, और सर्वे नहीं होगा तो मुआवजा क्या मिलेगा। अब अगली फसल की जब तैयारी किसान कर लेगा और उसके खेत में दूसरी फसल आ जाएगी, तो फिर कैसे सर्वे प्रशासन करेगा उसका।